Hello everyone, today we will solve from question number 9 of exercise 9.2 class 8th power में. इससे पहले हम chapter 1 से लेके अब तक जितनी भी exercise हैं, हमने हर chapter के हर exercise के सभी सवालों के सभी part को solve करा है. मैं उन सभी video का link आपको नीचे discussion box में दे दूंगा. अगर इससे पहले आपको किसी भी question में कोई doubt है तो आप नीचे discussion box में जाकर उस video को देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 है आपका, इफ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज 12,000 रुपीज, फाइंड द प्रिंसिपल. सीधा फॉर्मूला बेस पर है. नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम जो दे रखा है 2 ईयर्स, रेट ऑफ परसेंट पर एनम है और कंपाउंडेड क्या एनुअली, और ये अमाउंट कितना हो जाता है 12,000 रुपीज. तो ए मालूम है, आर मालूम है, एन मालूम है, पी निकालना. सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर है. चलिए करते हैं इसको. तो लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है. इन दिस क्वेश्चन प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है. हमें अमाउंट दे रखा है 12,000 रुपीज, है ना. रुपीज लिखना भूल गया मैं, रुपये का सिंबल लिखना दे रहा हूँ. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इसमें दे रखी है 6% पर एनम, और टाइम जो दे रखा है हमें 2 ईयर्स. तो हमें फॉर्मूला मालूम है, अमाउंट इज इक्वल होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 raised to the power. एंड यहां मैंने कुछ लिखा नहीं है कि मैं जब भी लिखता हूं, जब हाफ ईयरली और क्वार्टरली. अमाउंट एनुअल के लिए तो फॉर्मूला है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो ये फॉर्मूला का सीज है, इसलिए कुछ नहीं लिखा. अब क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं. अमाउंट हमें गिवन है 12,000 रुपीज, तो ये तो क्लियर हो गया. प्रिंसिपल जो आएगा 12,000 से कम होगा. प्रिंसिपल इज ऑलवेज लेस देन इट्स अमाउंट, ये तो पता है, अमाउंट से कम होता है अपने, है ना. रेट दे रखिए 6 upon 100 raised to the power 2. ओके, 12,000 इज इक्वल टू पी. अब यहां मैंने 100 ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया 100 + 6 का होल स्क्वायर. क्लियर. 12,000 इक्वल टू पी, 106 upon 100 का होल स्क्वायर. हाँ, कैंसिल तो करना पड़ेगा, कर ले तो कोई फायदा हो नहीं रहा, इसलिए मैं पहले करें 2 से कैंसिल करें, 2 5 या 10 2 3 या 2 5 या 2. तो ये कितना हो गया, 12,000 इज इक्वल टू पी, 53 का स्क्वायर, यानी कि 53 × 53 upon 50 × 50. तो प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितने रुपये आ जाएगा ये 12,000, तो ये है इंटू 50 × 50. संख्या थोड़ी ऊटपटांग है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा 53, है ना. अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें. ये तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 5 0, तो ये आगे 1 2 3 4 5 5 5 या 25 25 का मल्टीप्लाई करता हूँ 12 में, तो 25 2 या 50 5 बचा 25 बन जा 25 और 5 एलसीएम 30. क्लियर. 53 × 53 में पीछे पोस्ट करके कर लेता हूँ, और ये आ गया 2,809. और जब इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड. ये मैंने कर था, खाना खाया अभी, किधर गया दोनों, दोबारा कर लेता हूँ मैं डिवाइड इसको. और ये आ गया 10,679.95 रुपीज. ओके, तो ये प्रिंसिपल इसका हो गया. देखो इस तरह के सवाल में क्या होता है, जब मैंने, क्योंकि एक्यूरेट तो गया नहीं, जब पूरा डिवाइड करके आ रहा है तो आ रहा है 10,679.95728. तो आप क्या करो, 3 decimal places तक निकाल लिया करो. आंसर में क्या 96 दे रखा है 96 सॉरी. तो क्यों, क्योंकि नेक्स्ट चली जो डिजिट्स है 4 से बड़ी है, तो इससे पहले वाली बिफोर जो डिजिट है इंक्रीज जाती है, आपको पता ही है. तो पूरा एक्यूरेट दे दो आंसर, 10,679.96 रुपीज. क्लियर. तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 10 इज, इन व्हाट टाइम, टाइम पूछा इसमें, विल 10,000 रुपीज अमाउंट टू 12,100.
एट द 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ये विशेष ध्यान रखना कंपाउंडेड एनुअली है कि हाफली, ऊपर वाले में एनुअली था इसमें भी, तो वो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। इसमें क्या फाइंड करना था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल फाइंड करना था, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट और रेट दे रखा है, टाइम फाइंड करना है। चलिए बहुत ईजी है फॉर्मूले भी, इस पर कैसे होगा बताते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं क्या क्या देखा है। प्रिंसिपल गिविन है इस क्वेश्चन में 10,000 रुपीज़, अमाउंट गिविन है 12,100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और कंपाउंड जो इंटरेस्ट है कैसे कंपाउंड हो रही है एनुअली, यानी कि सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, ए इज इक्वल पी 1 + r/100 raised to the power n, अमाउंट दे रखा है 12,100, ये हमें दे रखा है 10,000, 1 + रेट हमें फाइंड करनी है upon 100 raised to the power 2। तो क्या करें, प्रिंसिपल को अपॉन में ले आओ, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता जा रहा है, और क्या रह गया राइट हैंड साइड में 1 + r/100 raised to the power 2, और यहाँ क्या पावर 2, तो ये भी ऐसा नंबर होना चाहिए न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन, यानी कि स्क्वायर बन जाए किसी का, क्या ये स्क्वायर होता है किसी का, ये नहीं होता। तो कुछ काम करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कट गए, 100 होता है 10 का और 121 होता है 11 का। जब कभी भी स्क्वायर वाली बात होती है, हम हर बार बोलते हैं आपको 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 या 30 तक के क्यों, है ना, तो ये तो होता है कितना, तो हमें अगर याद है आप तुरंत बता दो कि ये 11 का स्क्वायर है, 110 का स्क्वायर, 10 का तो खैर सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या हुआ, इससे दोनों तरफ पावर सेम हो गई, तो स्क्वायर से स्क्वायर लोग कहते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, मान सकते हो, लेकिन कायदे से होता क्या, वो स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, लिख लो बस, क्या होगा स्क्वायर का स्क्वायर साइन हट जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड, राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, लेंगे तो क्या गया 11/10 इज इक्वल 1 + r/100, स्क्वायर रूट से पावर हट जाती 2, अब 1 को इधर ले आएंगे सॉल्व कर लेंगे, है ना, थोड़ा तो सा यार हमने कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है क्या गड़बड़ सड़बड़ कर दिया बताते हैं, टाइम तो रेट पूछनी थी, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी थी 10%, ओके, और मैंने नीचे वाले क्वेश्चन में देख के डबल इट्सेल्फ 2 ईयर्स टाइम लगा दिया 2 और रेट निकालने लगे, रेट तो दे रखी है, सब गड़बड़ हो गया, रेट की जगह 10 लगाना या एंड लगाना है, तो मैं यहीं कर दूँ, मिस्टेक हो गई है, क्योंकि नीचे वाला टाइम मैंने सॉल्व करते हुए लिखा सही है यहाँ, लेकिन नीचे क्वेश्चन में 2 ईयर्स दे दिया, यहाँ 2 लगा दिया और रेट निकालने लग गए, तो यहाँ गलत हो गया क्योंकि रेट दे रखी है 10%। यहाँ तक लिखता हूँ, इसके बाद मैं दोबारा ही करूँगा इस क्वेश्चन को, दोबारा से क्या करता हूँ, ओके ठीक है ना। तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ए इज इक्वल टू पी 1 + r दे रखा था 10%, और हमें समय फाइंड करना है, क्या करें, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 12,100 upon cross multiplication 10,000 आ जाएगा आपका नीचे, और आगे क्या बचा, चलो कर लेते हैं, 10 LCM आ जाएगा इसमें, और 10 + 10 × 1 करेंगे 10 + 10 का डिवाइड 10 में 1 times 1 बन जाए 1, ये तो जानते हो सिंपल सी बात है, पावर n। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब ये क्या है पावर में चाहिए, इसको पावर में कन्वर्ट करो, तो ये 11 का स्क्वायर ये 10 का, तो ये हो गया, इसको ले सकते हैं 11/10 का होल स्क्वायर, सेम वैसी है, और ये हो गया 11/10^5। अब एक्सपोनेंट का रूल आपने पढ़ा है, अगर बेस सेम है, दो एक्सपोनेंट इक्वल हैं, उनका बेस सेम है, तो पावर पावर के इक्वल होती है, तो बस लिख दोगे दिस इंप्लाइज एन की वैल्यू क्या होगी 2, तो ये पूछा था कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज 2 ईयर्स, छोटी छोटी मिस्टेक मैं भी कर देता हूँ, है ना, नीचे सामने देखे मैंने अभी करा था, तो टाइम के लिए 2 रख दिया, क्योंकि जस्ट नीचे नहीं रही 2 ईयर्स, तो ऐसे कभी कभी हो जाती है ना, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ टाइम फाइंड करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, ए इक्वल टू पी 1 + r, r की वैल्यू 10% थी, upon 100 raised to the power n, सॉल्व करा तो टाइम आ गया 2 ईयर्स, ओके, कोई डाउट तो नहीं आपको, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ आज मैं, 8 से 10 दिन बाद, काफ़ी यहाँ शादी रिलेशन में काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा है, जून से गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा मामला थोड़ा टाइट चल रहा है, बिजी टाइम का सीजन है ना, अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, आपके प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो गई है ना। नाउ क्वेश्चन 11 इज फाइंड द रेट, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, एट विच अ सम ऑफ मनी विल डबल इट्सेल्फ इन 2 ईयर्स,
यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपीज है तो डबल हो जाता है अमाउंट, कितना हो गया 200, है ना, इटसेल्फ इन टू इयर्स, दो साल में। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यहां भी इंटरेस्ट कैसी है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो हमें क्या है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है, दे रखा नहीं है, हम मान लेंगे, मान लो प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट हो गया 200, प्रिंसिपल एक्स रुपीज है तो अमाउंट हो गया 2x रुपीज, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ आपकी चॉइस है, चाहे 100 माना है चाहे 2x माना है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। ओके चलिए करते हैं सेविंग। तो क्या करें, यहाँ पर प्रिंसिपल हमें गिविन नहीं है, तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल इज रुपी एक्स 100 कुछ भी मान सकते हो, है ना, अमाउंट क्या है डबल, सो अमाउंट कितना होगा डबल का मतलब एक्स का 2 टाइम्स क्या होगा 2x, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इसमें फाइंड करनी है, समय दे रखा है 2 ईयर्स के, और क्या इंटरेस्ट कंपाउंड कैसी है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दें, ए इज इक्वल पी 1 + R/100 रेज टू द पावर 2, अमाउंट कितना दे रखा है 2x, प्रिंसिपल क्या है x, 1 + R हमें फाइंड करनी है, अपॉन 100 यहाँ पावर n लगानी है ना, और n का समय दे रखा है 2, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो क्या करें x को नीचे लिया है, 2x/x इज इक्वल 1 + R/100 रेज टू द पावर 2, x से x कैंसिल, हमें रेट से यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए था स्क्वायर रूट लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, तो रूट 2 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट रहेंगे तो स्क्वायर का सिंबल हट जाता है, तो पता है। अब यहां बात आ गई रूट 2, तो मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, रूट 2 स्क्वायर रूट आप जानते हैं, है ना, जब स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व करोगे, रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू ऐसी होती है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, है ना, रूट 2 की वैल्यू होती है, मैं चलो पूरी लिख रहा हूँ, 1.4142, और भी होती है, इतना तो आपको 3 डिजिट तो याद होना चाहिए, 1.414 तो याद होना चाहिए, 4 डिजिट लिखो ना लिखो, कभी कभी किसी क्वेश्चन में गिविन होती है, वरना अगर नहीं याद है तो रूट 2 का था 2.00000, जानते हो स्क्वायर रूट निकाल के, 1 बन जा 1, 2 में से 1 सबट्रैक्ट करा 1, उसका डबल लिखते हैं, डेसिमल लगाया, 1 0 डाल लिया, 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ 24, 4 या 96, फिर 4 फिर पेयर उतरेगा, इसका डबल 28, फिर 1 बढ़ जाएगा, ऐसे तो 1.4142 आ जाएगा, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है आपको सोकन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूट 2 रूट 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो ये कितना हो गया 1 + R/100, प्लस 1 को उधर लिया लेफ्ट साइड में, तो 1.4142 - 1 R/100, 1.4142 में से 1 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0.4142 R/100, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 0.4142 × 100, जब 100 से मल्टीपल करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 41.42% ये आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हालांकि इस टाइप के सवाल कम आते हैं, इस टाइप से मतलब क्या, कुछ ऐसा संख्या दी होती है, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी किसी का स्क्वायर बन जाए, है ना, जैसे हमने उस ऊपर आया था 121/100 आया था, तो 11/10 का स्क्वायर में, तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर रूट में भर जाता है, लेकिन अगर आ जाता है जैसे आ गया तो इसका रूट आपको मालूम होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, सो करा 2 प्लेस तक निकाल दिया, ऐसे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1.4142 √2 √3 में, फिर कह रहा हूँ, है ना, √3 की 1.732 होती है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, √2 और क्लियर। तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आज के तीनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अभी भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, हो सकता है आप क्वेश्चन 10 में थोड़ा कन्फ्यूज हो, मैंने मिस्टेक कर दी थी ना, लेकिन बातें क्लियर कर दिया था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।